Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. I'm at Pune Goat Farm in Wagholi in Pune. And Sampat sir ke saath hun, who doesn't come on camera. You will only hear his voice. Good afternoon, Sampat sir. Good afternoon, sir. Sampat sir, apne home bred boar bakre hai. And ye sare adant hai. Adant hai. Aur ye aapko nikalne hai. Aur inka rate ek fix rakha hai aapne. 1200 rupaye kilo. 1200 rupaye. And you are saying ki bhai ye jo hai ye acche pure bloodline. Ye pure bloodline ke bacche hai. Pure bloodline. Aur acha develop ho jate hain. Okay. Ye on an average kitne mahine ke bacche hai? Apne ye sab 8, 9, 10 mahine ke bacche hai. Okay. Aur सारे मेल है ना? Yes, सब ऑल मेल. सारे मेल हैं. You're not castrated any of them. No. सारे castrated है, लेकिन वो नीचे. Okay. तो इसके है क्या बच्चे सारे? हाँ, ये जो है ना, ये ब्रीडर है हमारा. Okay. अब दूसरा एक ब्रीडर है रेड वाला. नहीं तो भी आएगा. आपके पास जैसे बकरिया जो है, काफी बोर जो बकरिया क्रॉस में है. हाँ नहीं, तो ये जो हम लोग क्या करते हैं सर, प्योर बोर के जो बच्चे है ना, उनको टैगिंग करके अलग निकाल लेते हैं. ओके. अभी ये क्वालिटी देखो आप, ये जो ब्रीडर माशाल्लाह बहुत अच्छा है. क्या होता है, अभी इसको केज में अगर रखेगा तो इमीजिएट 100 किलो चला जाएगा. ये आपको जाने नहीं देना है ना ऊंचा, तो ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होगा. नहीं, ये दिस इज फॉर सेल. दिस इज फॉर सेल. हाँ, अभी मैं रेट से कर रहा हूँ. क्या उम्र का है ये? 8 दांत प्लस के है. 8 दांत है. छोड़ो, आने दो अंदर, आने दो. इसको 8 दांत है. मेरे ख्याल से आई थिंक 80 किलो होगा, 70-80 किलो. योगेश, इसका 80 के ऊपर है ना वेट? 80. ठीक. ये क्या होता है सर, ये ब्रीडर का वजन नहीं बढ़ाते हम लोग. इसको हटाओ. नहीं, वो क्या, वो अभी ऐसा ही बाहर घूमते हैं. ये बच्चे को भी डाल दो वहाँ पे. क्या वो अटेंशन? हाँ. अरे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाले. ये रस्सी छोड़ देना, उसको घूमने दो ना. नहीं मारेगा. यहाँ लेके आइए, यहाँ लाइए. अपना ब्रीडर है, मारेगा नहीं किसी को, खेलेगा वो. ये कालाहारी बोर. हाँ, कालाहारी बोर. इसका जो रेड मैं फीमेल कर रहा हूँ ना, थोड़ा दूर. हाँ, सर रेड कर रहा हूँ अभी. रेड फीमेल में धूप में. अरे झगड़ा करने दो, करने दो, क्या फर्क पड़ा है? ना, वीडियो में नहीं बता सकते. फाइन. हाँ, धूप में लेके खड़े रहो. थोड़ा और पीछे जाइए. वाओ, दिस इज ऑसम. ये पलाई पे अपने पास? नहीं, अपना खुद का है. ये अपना खुद का है. कितने दांत का है ये? अभी कितना, 8 किया का देख रहे? 6 पे था. किया क्या? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह. फ्रंट दिखाओ ना, झालर वगैरह जो है ना, इसलिए बच्चे अच्छे आते हैं. बहुत बढ़िया है. इसका कोई बच्चा है? है ना बच्चे? वो आपको कहाँ पे, वो जो वो फर्स्ट वीडियो में जो बताए थे, वही छोटा बच्चा. ये कितने में निकालना है आपको सर? ये नहीं निकालना. नहीं, ये नहीं निकालना. थोड़े दिन और ब्रीडिंग करेगा, फिर उसके बाद निकाल. ठीक है, छोड़ दीजिए. बहुत अच्छा बच्चा. कोई यहाँ पर बोर बकरी रखता है, उसको क्रॉस कराना, उसको हो जा सकते हैं, उसका हो जाएगा. ठीक है, 2000 रुपये पलाई है. और ये वाला ब्रीडर जो है कहाँ पे गया? ये वाला ब्रीडर है. इसको निकालना है. कितने में देना है आपको ये? ये हम लोग देंगे 700 रुपए किलो. 700 रुपीज के जी. कितना? 80 किलो है. 80 किलो. 56,000 रुपए का मिलेगा. जब आपको रिजल्ट आ रहे अच्छे से बड़ी होने से. हाँ, तो नहीं अभी कैसा होता है कि इंटर ब्रीडिंग में होना, इसलिए ब्रीडर बदलना चाहते हैं. ओके. ये बच्चा क्या निकला है ना? अच्छा, आई थिंक इसने दांत कर चुका होगा. इसके दांत देखो, दिखाओ. इतना खूबसूरत है ये. एक टांग पे वो ब्राउन पैच जो आया ना, और वो थोड़ा रहता है. देखो, अदंत ही है ना. अदंत. ये सब अच्छे ब्रीडर्स हैं. ये कितने महीने के हैं? ये सब 8-10. छोड़ो, वहां पे छोड़ो, जरा लेके आके. ये जो क्वालिटी है ना, ये अलग ही है. 8-10 महीने में क्या बना है ना माशाल्लाह. अभी वो अपना छोटा डेढ़ दो महीने. 1200 रुपए किलो ना अपने? ये 1200 रुपए किलो माशाल्लाह. वो पीछे वाला भी जबरदस्त है. ये सर आकिब भाई, ये सब अपने फुटबॉल ब्रीड के. ये कोई अगर कुर्बानी के लिए जिनको तैयार करना है, तो सेम फुटबॉल तैयार करके मिलेगा. 2023 60 किलो का 10 महीने में हो गया ये, तो है ना. ये जाएगा 100 से. ये फुल फीडिंग पे अभी इनका वेट गेन फास्ट बढ़ता है. फुल फीडिंग पे कितना जाएगा ये बकरी तक? ये बकरीद पे, ये बकरीद साल पे 110 जाना चाहिए ना. 60. हाँ, अगले साल पे 100 प्लस. ये बकरीद पे दांत कर लेगा अभी कि नहीं करेगा? 8 ही महीने. बकरीद पे दांत करना चाहिए ऐसा लग रहा है. 8 मंथ्स पे? नहीं, 8-10 ऐसा है. कभी कभी 12-13 महीने भी हो जाता है. जिस हिसाब से कभी कभी तबियत अच्छा रहेगा तो दांत जल्दी करता है. बहुत अच्छा. और निकालो वहां से, धूप में भगाओ. लेकिन इन लोगों को वो नहीं आया जो बोर का टिपिकल दाढ़ी होती है ना. नहीं सर, बच्चे छोटे हैं ना बच्चे. बट इसमें तो आया ना एक. देखो कितना दाढ़ी है उसका. वो देखो, किसी को जल्दी आता है, किसी को बाद में आता है.
किसी को ये क्या होता है, हरे हरे का अलग रहता है, इसको छोड़ रहा है। अरे एक ब्राउन छोटा है तो भी आ गया उसको, बहुत ज्यादा झालर गया है ना ये कालारी की, क्या जबरदस्त झालर है। इसमें बोर्ड कौन सा आपके हिसाब से वो झालर लाएगा, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी का बनेगा इसमें क्या? नहीं ये सर सब बनेगा, सारे छोटे 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 है ना अभी। नहीं आकिब भाई छोटा बच्चा भी नहीं लाया उसने, इसने दाढ़ी नहीं लाया, दाढ़ी वो लाएगा ना, थोड़ा है नीचे अभी। ओके तो क्या डेवलपमेंट है ना, जानवर है, जानवर का डेवलपमेंट कम ज्यादा होता है। अभी दाढ़ी का सबका थोड़ा थोड़ा दाढ़ी दिख रहा है, आ गया अभी वो सामने वाला उसका ज्यादा बड़ा आ गया, उसके वाला और बड़ा आएगा, वो होता है ना। ओके चलिए, वैसे सभी का रेट एक ही रखा है आपने, 1200 रुपए किलो। बड़ा वाला जो है वो 700 रुपए किलो, बड़ा वाला जो बकरा है वो 700 रुपए किलो, काला वाला जो है नॉट फॉर सेल। ठीक है चलिए, anybody interested just take a screenshot and send it to Sampath sir, number is given on screen, thank you so much, बहुत अच्छे बकरे संपत सर आपके, thank you।